हेलो गाइस, मैं हूं पंकज धाकड़ और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल धाकड़ नॉलेज में। तो गाइस सर, आप देख सकते हैं कि आज की स्टूडियो में हमारे पास है एल्यूमिनियम फॉइल। तो गाइस सर, आप देख सकते हैं ये है एल्यूमिनियम फॉइल। इसको नॉर्मली हम जो खाना वगैरह पैक करने में बहुत सारी जगह है हम जो इस एल्यूमिनियम फॉइल का यूज़ करते हैं। और गाइस सर, आप देख सकते हैं कि हमारे पास इधर फोन। तो गाइस सर, आज की स्टूडियो में हम कमाल का एक्सपेरिमेंट करने वाले, किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस सर, ये जो एल्यूमिनियम फॉइल है, अगर इसके अंदर हम जो है हमारे फ़ोन को जो है इससे जो कवर कर देते हैं, मतलब कि हमारे फ़ोन को जो इस एल्यूमिनियम फॉइल से जो हम जो पैक कर देते हैं, तो हमारे फ़ोन में जो नेटवर्क है वो नहीं आते, मतलब कि नेटवर्क है वो चले जाते हैं। जी हाँ गाइस, मतलब कि आपने इससे पहले ऐसा वीडियो कभी नहीं देखा होगा कि अगर फोन को जो एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर रैप करते हैं तो हमारे फोन के नेटवर्क है वो पूरी तरीके से जो है गायब हो जाते हैं। जी हाँ गाइस, तो गाइस सर, आज के स्टूडियो में आपको यही दिखाने वाले हैं। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक जरूर करना। तो गाइस सर, मैं आपको एक बार कॉल करके दिखा देता हूँ कि इस वाले फ़ोन पर जो है कॉल लग रहा है, और मैं आपको थोड़ा सा इसके अंदर नेटवर्क भी दिखा देता हूँ। सेकंड स्लॉट में आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है सिम लगी हुई है, वो मैं इस पर कॉल करता हूँ। इसके अंदर चलो लॉक लग गया, लेकिन आप देख सकते हैं सेकंड फ्लोर में जो सिम लगी हुई है उसके अंदर मैंने कॉल किया है, वो कॉल है वो लग गया है, आप सुन सकते हैं। मैं आपको नंबर नहीं दिखा सकता, वरना दिखाता मैं, आप सुन सकते हैं कॉल लग चुका है। तो चलिए, मैंने कॉल कट कर दिया है, और आप देखिए भाई इसके अंदर जो अभी है, दिखा देता हूँ आपको मैं। आप देखिए इसके अंदर जो अभी है वो फ़िलहाल नेटवर्क आ रहे हैं। एक मिनट, आप देख सकते हैं इसके अंदर फिलहाल है अभी जो सेकंड स्लॉट में जो सिम लगी हुई है वो नेटवर्क है और फुल आ रहे हैं। तो चलिए, मैं जो है इस एल्यूमिनियम फॉइल को निकालता हूँ फटाफट से, इसको यहाँ से जो थोड़ा सा है फाड़ लेता हूँ। ये मैंने फाड़ लिया इसको, और इसके अंदर मैं जो है अब फ़ोन को पैक करता हूँ। लेकिन इससे पहले आपको एक बार और दिखा देता हूँ मैं, ताकि आपको दिख जाए। सेकंड सिम में आप देख सकते हैं नेटवर्क फुल आ रहे हैं। तो फटाफट से इसको जो मैं इसके अंदर है वो पैक करता हूँ। ये गया हमारा फ़ोन इसके अंदर, ये गया और ये कुछ इस तरीके से जो पैक है हो चुका है। और अब हम लगाने वाले इसके अंदर, इसके ऊपर कॉल, इस वाले फ़ोन के ऊपर, देखते हैं क्या होता है कि कॉल लगेगा या नहीं। ये लग चुका है हमारा कॉल, और देखते हैं कनेक्ट होगा। थोड़ी गर्मी भी लग रही है यार। तो भाई सर, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी जो कॉल है वो नहीं लग रहा है। आप सुनिए, उसी वाले नंबर पर मैंने कॉल किया है, यकीन मानिए आप भी इसको जो घर पर ट्राई करके देख सकते हो, बहुत ही इजी ट्रिक है, और आपके फ़ोन में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आएंगे। आप इसको एक बार घर पर ट्राई जरूर करना, आपके एल्यूमिनियम फॉइल नॉर्मली दुकान पे शॉप वगैरह पे मिल जाएगी बहुत ही इजीली और बहुत ही सस्ती। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नेटवर्क है वो नहीं आ रही है। चलिए एक बार मैं आपको काट कर फ़ोन लगाता हूँ, आप सुनिए, बिल्कुल भी जो नेटवर्क है इसके अंदर नहीं आ रहा है हमारे फ़ोन के अंदर, मतलब कि एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर फ़ोन को रिप करने से हमारे फ़ोन के नेटवर्क है वो बिल्कुल ही चले जा रहे हैं, आप सुनिए। तो भाई सर, हिना काफ़ी कमाल का एक्सपेरिमेंट और साइंस ट्रिक, आप कुछ भी बोल सकते हो। और आप देखिए, मैं जैसे फ़ोन को बाहर निकालता हूँ, देखते हैं क्या इसके अंदर नेटवर्क है वो आएंगे फटाफट से। तो भाई सर, आप देख सकते हैं इसके अंदर नेटवर्क अभी भी नहीं आ रहे। आ रहे नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, आप देख सकते हैं सेकंड स्लॉट में जो सिम लगी हुई है वो नेटवर्क क्यों नहीं आ रहे। लेकिन आप देखना, कुछ ही टाइम में ऑटोमेटिक इसके अंदर नेटवर्क आ जाएंगे, क्योंकि हमने इसको अभी बाहर निकाला है, अभी फ़ोन को बाहर निकाला है न्यू फोन से। अब आप देखिए आ गया नेटवर्क आने वाले, जस्ट क्योंकि थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर रहता था नेटवर्क नहीं आते, जैसे बाहर निकाला थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन नेटवर्क इसके अंदर आ जाएंगे। आ गए, आप देख सकते हो 4G लिखा गया है और इसके अंदर जो नेटवर्क है वो आ चुके हैं। आप देखिए, मतलब कि जैसे एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर रैप करते हैं इसके नेटवर्क है वो पूरे के पूरे चले जाते हैं। तो कैसे सर, हिना काफ़ी कमाल की ट्रिक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सर इस वीडियो को लाइक जरूर करना। और सर, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।